और मंत्री बीडी कल अपना संबोधन दे रहे हैं, सुनते हैं। पूर्ण रूप से छूट, कैप्टिव भोग एवं तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु स्थापित संयंत्रों को वार्षिक बैंकिंग की सुविधा, सौर एवं पवन ऊर्जा उपकरण निर्माताओं को लाभ ऑब्लिक छूट, 100% स्टैम्प शुल्क में छूट, मैं समझता हूं कि ये पहले कभी नहीं थी, 50% की रियायती दर पर भूमि आवंटन, 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में पूर्ण छूट। मैं कॉरपोरेट सेक्टर को भी बताना चाहता हूं, खास तौर से हमारे जो बिजली घर है ना, सूरतगढ़, छबड़ा वगैरह, हम स्वयं सरकारी कंपनियों के बिजली घरों में विद्युत शुल्क देते हैं, लेकिन इस ग्रीन ऊर्जा को पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमने 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में पूर्णतः छूट दी है। राज्य कर SGST पर 90% तक निवेश अनुदान, नियोक्ताओं को रोजगार अनुदान, राजस्थान औद्योगिक संवर्धन योजना रिप्स के तहत ब्याज में अनुदान, रिप्स के तहत कस्टमाइज पैकेज एवं अन्य रियायतें, योग्य निर्माताओं को MSME नीति के लाभ, नई नीतियों के निम्न नई तकनीकों का प्रावधान किया गया है, स्टोरेज आधारित अक्षय ऊर्जा संयंत्र, विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, अक्षय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पवन एवं सौर ऊर्जा संयंत्रों का हाइब्रिडाइजेशन, थर्मल पावर प्लांटों का अक्षय ऊर्जा के साथ हाइब्रिडाइजेशन, पुरानी छोटी साइज की पवन चक्कियों को नई बड़ी साइज की चक्कियों में बदलना, सोलर रूफटॉप संयंत्रों के लिए ग्रॉस मीटरिंग स्कीम एवं रेस्को प्रणाली का प्रावधान, ये ऐसे प्रावधान है जिससे उद्यमियों को आगे आकर इसका लाभ मिलेगा। मैं राजस्थान के तमाम कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों से और तमाम प्रवासी राजस्थानियों से इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सौर ऊर्जा का लाभ लें, नहीं तो बाहर से लोग आएंगे और आकर के ये सारी सौर ऊर्जा को लेके चले जाएंगे। इसलिए आप सब लोग आगे आएं, स्वयं अथवा कुछ औद्योगिक घराने मिलकर सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक लाभ लें, इस नीति का लाभ लें और इस नीति के माध्यम से सौर ऊर्जा का उत्पादन करें। अब तक हम लोगों ने जो सौर ऊर्जा प्राप्त की है वो बहुत कम है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, 1,42,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता राजस्थान में है। आइए हम 30,000 का लक्ष्य पहले प्राप्त करें और फिर आगे की मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इस सौर ऊर्जा नीति और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें प्रेरणा दी और जो रिलैक्सेशन दी है, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद।